कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और शायद इसी सोच के साथ अजमेर नगर निगम चुनाव के मतदान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर की जा रही इस बाड़ेबंदी के तहत सभी 80 उम्मीदवारों को एक ही स्थान पर रखने की योजना है। भाजपा की ओर से बाड़ेबंदी का प्रभारी अजमेर नगर निगम के पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत को बनाया गया है। अजमेर के एक स्थानीय समारोह स्थल पर धर्मेंद्र गहलोत ने भाजपा उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू की और बाद में इन सभी उम्मीदवारों को अज्ञात स्थान की तरफ रवाना किया गया। बाड़ेबंदी की इस कवायद में भाजपा ने अपने विश्वसनीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमान सौंपी है। बताया जा रहा है कि इन सभी उम्मीदवारों को मतगणना वाले दिन तक एक ही स्थान पर रखा जाएगा और उसके बाद जीते हुए उम्मीदवारों को किसी अज्ञात स्थान के लिए फिर से रवाना किया जाएगा। भाजपा ने यह बाड़ेबंदी आगामी 8 फरवरी तक रखने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 7 फरवरी को महापौर का चुनाव और 8 फरवरी को उपमहापौर का चुनाव होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक बाड़ेबंदी शुरू नहीं की है, लेकिन निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन के अनुसार कांग्रेस भी कल से अपने उम्मीदवारों को एकजुट करके बाड़ेबंदी शुरू करेगी। देखो, पहले तो मैं शब्दों में कहूंगा कि बाड़ेबंदी नहीं है, हम प्रशिक्षण देने के लिए ले जा रहे हैं इनको, क्योंकि कई जनप्रतिनिधि नए चुन के आते हैं। नए चुने हुए प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है किस प्रकार से अपने पोलिंग को करना है, किस प्रकार से अपने क्षेत्र में जब जीत जाएंगे, प्रत्याशी के रूप में जीतेंगे तो किस प्रकार से जनता की सेवा करनी है, क्या क्या काम है, कौन कौन से फंड आते हैं, इसका प्रशिक्षण देने का काम के निमित्त इनको हम यहाँ से आज ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज इनको सबको ले जाएंगे तो 80 के 80 पार्षद हैं, इनको ले जाएंगे ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति भी समझे और आगामी चुनाव जो हम जीतने जा रहे हैं, बोर्ड जो बीजेपी का बनने जा रहा है, इसकी सफलता के लिए हम सब बैठने वाले। किस स्थान पर इनको ले जाए जाने की? देखो, अभी तो अजमेर में रखा है स्थान, तो प्रशिक्षण का ही है, इस प्रशिक्षण के स्थान पर ले जाए।